चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जेठाना की सरपंच संगीता कमलेश डामोर को एकता समाचार द्वारा कर्मवीर करुण योद्धा सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। कोरोना की इस महामारी में पूरी ग्राम पंचायत में मास्क वितरित करने, गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव कराने, ग्राम पंचायत में राशन सामग्री वितरित करने एवं प्रवासी मजदूरों को मनरेगा से रोजगार दिलाने के कारण किया गया सम्मानित। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सरपंच देवेंद्र पाटीदार, उप सरपंच धीरज मेहता की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सम्मान से नवाजा गया। आज सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जेठाना के सरपंच साहिबा और उप सरपंच साहब को एक सम्मान पत्र से हम नवाज रहे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी उपलब्धियाँ पैदा की और कोरोना महामारी में हम इन्हें कर्मवीर कोरोना योद्धा सम्मान से नवाज रहे हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे किसान संघ के अध्यक्ष देवेंद्र भाई पाटीदार, जो एक समाजसेवी है और अपनी किसानों के लिए जयपुर कहो या दिल्ली कहो, वहाँ पे लड़ने वाले किसानों को मुआवजा दिलाने वाले, किसानों के फसल चौपट हो जाती है तो उनकी राशि उनके खातों में डलवाने वाले, ऐसे समाजसेवी हमारे आज कार्यक्रम का मुख्य अतिथि है। और कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे युवा धीरज मेहता, जो एक बहुत बड़े समाजसेवी है, पीछे 25-30 सालों से आपकी ग्राम पंचायत जेठाना को एक से एक बढ़कर, और इनके कार्यकाल में 5 साल में इन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं एक से बढ़कर एक उपलब्धियाँ दिलवाऊंगा और जो वंचित जो चीज़ें यहाँ पे रह गई है पंचायत में, वो पंचायत की मैं पूरी करूँगा, ये बीड़ा उठाने वाले हमारे इस कार्यक्रम के धीरज मेहता हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष है। इनके हाथों से हम हमारा कोरोना योद्धा कर्मवीर सम्मान पत्र आज मैडम संगीत जी डामोर और इनके पतिदेव को हम दे रहे हैं। राजू भाई, अपने चैनल एकता चैनल से चैनल वाले यहाँ हमारे सरपंच को सम्मानित किया और उप सरपंच सरपंच भाई अपने उसको जो सम्मानित किया, उसका मैं आपके चैनल से माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये कोरोना की महामारी में हमारे जेठाना में सुरक्षा अभी तक है, कोई ऐसा निकला नहीं, वो भी एक गांव का मतलब जो है ना, वो धन्यवाद है गांव वालों के और सरपंच को, बॉडी को, सबको। ये जो है ना, वो मतलब हम गांव वाले जो है ना उस बीमारी से बचे, वो हमारा पंचायत ही एक एज ए कलेक्टर कहते हैं तो पंचायत ने पूरी जो है ना वो ध्यान रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। जय हिंद। मैं पूर्व सरपंच जेठाना रह चुका हूँ, भारतीय किसान संघ का अभी प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ, और हमारे जो पहले से धीरज जी मेहता ने बात की है, लेकिन हमारा कोई समस्या है किसान संघ के माध्यम से, हमने अभी तक कोई किसानों ने गेहूँ बेचने में कोई 2000 रुपया नहीं मांगा, 1800 में दे दिया, कहीं दुकान वाले ने 20 रुपये बंडल का 100 रुपया ले लिया, लेकिन हमने ये उधार, एक किसान ही है तो किसान जो है वो अभी तक इसी से मतलब जो है ना वो दान देते ही है, कभी लेने की बात नहीं करता है। और सुभाष चंद्र बोस ने जय जवान जय किसान का नारा है, वो सही है, आज तक वो जो है ना हम निभा रहे हैं, किसान निभा रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ पे सरपंच साहब ने कर्मवीर कोरोना योद्धा से सम्मान से इनको नवाज रहे हैं। हमारे ये गांव के यहाँ के समाज सेवी और यहाँ पे जो कार्य किए, ऐसे सुपरवाइजर भी हमारे सामने जो जिनकी ड्यूटी टामेटिया के अंदर है, जिनके कार्य की सराहना टामेटिया वासियों ने करी, वहाँ के सरपंच साहब ने भी करी। इस विषय में हम हमारे यहाँ पे संगीता जी डामोर के साथ साथ इनको भी अभिनंदन करते। मैडम बताइए आपका क्या नाम है? आप भी है। मेरा नाम जानी पाटीदार है। मैं जेठाना गांव में रहती हूँ और ये कोरोना के बारे में सब डरते थे, लेकिन डरना नहीं है, अपने को एक दूसरे को मुंह बांध के और 1 किलोमीटर एक वो दूरी में खड़े रहना, बाकी डरना नहीं है। डरने से तो वो अपने को, वो अपने अपन डरते हैं तो दूसरे तो डरेंगे, अपन अगर कार्य करने वाले ही डर जाए तो दूसरे तो बेचारे उसके उसके वो नहीं जानते, वो डरते हैं, लेकिन अपने को डरना नहीं है। एक दूसरे को थोड़े दूरी में रख के सहयोग करना है और एक दूसरे के मुंह बांध के रखना है, कभी जाते हैं तो खुलेआम नहीं जाना, मुंह को और बांध के ही जाना है, एक दूसरे के साथ में नहीं रहना, वो एक करीब करीब नहीं खड़े रहना है। ये हमारे सरपंच साहब ग्राम पंचायत जेठाना के सरपंच ने एक बीड़ा उठाया, इनके घर पे भी इन्होंने लगाया कि आओ मिलकर कदम बढ़ाए, कोरोना महामारी को दूर भगाए, ऐसा लक्ष्य लेके चलने वाले हमारे संगीता जी आपके सामने है डामोर साहब। मैडम बताइए कोरोना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कोरोना के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि कोरोना अभी तक गया भी नहीं है,
यह महामारी लगातार बढ़ती जा रही है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अपने मुंह पर मास्क बांध लगाए रखे और भीड़भाड़ वाली जगह पर ना जाए और सैनिटाइजर से हाथ लगातार धोते रहे और आपस में दूरी बनाए रखे। आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकले। और डूंगरपुर से जो टीम आई थी कोरोना सैंपल लेने के लिए, उसमें जो भी अगर अपना सैंपल देना चाहता है उस वो आयशा सहयोगिनी और स्वास्थ्य कर्मी के माध्यम से वो अपने सैंपल दे सकता है। मैडम, जेठाना पंचायत समिति से आपको सरपंच बनाया ग्रामवासियों ने मिलकर, आपने चुनाव लड़ा, आपके सामने कितने चुनाव के उम्मीदवार दावेदार थे? मेरे सामने 3 उम्मीदवार थे। कितने वोट मिले आपको? 2360। आपकी जीत कितने वोटों से रही? 1560 से जीत रही। बहुत ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जेठाना पंचायत की कि इसके लिए आपको एकता समर्थक के माध्यम से हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। मैडम बताइए, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आपने आपके क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? गांव में 3600 मास्क बांटे जी, स्कूल में क्वारंटाइन किए गए प्रवासियों को ग्राम पंचायत द्वारा भोजन तथा जरूरतमंद चीज़ों को उपलब्ध कराया, खाद्य सुरक्षा में पात्र व्यक्तियों को तुरंत जोड़ा जाए ताकि इस महामारी में अन्य उनको राहत मिल सके। जो बाहर से प्रवासी लोग आए उनको पंचायत में जॉब कार्ड बनाकर 155 जॉब कार्ड बनवाए और उनको रोजगार दिला। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि जो बाहर कमाने गए थे प्रवासी लोग वो अब अपने गांव आ गए हैं लॉकडाउन में, तो उनको रोजगार मिले और 100 दिन रोजगार मिल रहा है तो उनको 200 दिन रोजगार मिले और उनका मानदेय बढ़ाकर 200 से 250-300 रुपये किया जाए। और हमारे यहाँ विधवा और बुजुर्ग जो लोग हैं उनके पेंशन मतलब तो 500 है, उनके भी बढ़ा दिया जाए और जो 750 रुपये मिलते हैं उनको भी मतलब बढ़ा दिया जाए और 1500 रुपये किए जाए। हाँ सर, तो बताइए और आगे क्या कहना चाहते हो आप? ग्राम पंचायत जेठाना में जो राशन डीलर है मोतीलाल मैंशन कलाल, उसने 923 राशन कार्ड के एक महीने का राशन नहीं दिया और वो पूरा राशन मतलब डीलर डकार गए। और 35 राशन कार्ड जो बीपीएल स्टेट बीपीएल थे वो भी उसने हटा दिए और प्रशासन भी मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। आपने प्रशासन के को ये बात बताई थी और यहाँ पे प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी? प्रशासन को हमने बताया था, अवगत करवाया था। हाँ, अवगत करा था, उसने निलंबित किया उसको, लेकिन और आगे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हो आगे कार्रवाई चाहते हो? कार्रवाई करना चाहते हो, कार्रवाई हमारी चालू है लेकिन उसको हटा नहीं रही है। अभी इनको निलंबित, मोतीलाल जी को निलंबित करने के बाद यहाँ पे आपका राशन कौन बांट रहा है? यहाँ पे रमेश जी भट्ट और हमने कोटा वहाँ पंचायत में करवाया है, पंचायत राशन वहीं पे रखवाया है। अभी आपके यहाँ पे सभी को बराबर वितरण हो रहे? हाँ, पहले से मतलब अब अच्छे गेहूँ मिल रहे हैं, लोग भी मतलब खुश है उससे। ये हमारे सरपंच साहब ने बात बताई कि भाई यहाँ पे जो जिसने घोटाला किया था डीलर ने, उस घोटाले वाले डीलर को हटाकर यहाँ पे नई जगह इन्होंने स्थापित किया है राशन, जिसका राशन सभी को दिलाया जा रहा है। अगर एकता समाचार के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर आपको कोई शिकायत हो, कुछ हो, तो आप हमारे एकता समाचार के माध्यम से आप बता सकते हैं। बताइए, यहाँ पे लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे, सुरक्षित थे, मगर इस सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे जिन्होंने घर घर जाकर मेहनत करी, ऐसे प्रशासन अधिकारी या समाज सेवियों का के बारे में थोड़ा बताइए। हमारे गांव में प्रिंसिपल सर, स्कूल के स्टाफ, पुलिस प्रशासन, रेहाना मैडम, आयशा सहयोगिनी, पटवारी साहब, सचिव साहब एवं समस्त सरकारी स्टाफ साथी एवं मेरे पंचायत के मेंबर साथी का उन सब ने पूरा सहयोग किया। जेठाना की जनता का भी पूरा सहयोग रहा, उनका भी धन्यवाद। हमारे सामने है ग्राम पंचायत जेठाना के उपसरपंच साहब धीरज जी मेहता, जो एक समाज सेवी है और अपनी पंचायत में पिछले 20 से 25 सालों से जुड़े हुए, इन्होंने इनका जो विकास है वो आज दिख रहा है और लोगों ने इन पे विश्वास रख के धीरज जी मेहता तो को उपसरपंच बनाया।
इसके लिए पहले हम एकता समाचार के माध्यम से इनका अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं। सर, एकता समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजू भाई आपका। जी धीरे जी, बताइए और क्या कहना चाहते हो आप हमारे पंचायत के बारे में, आपके पंचायत के बारे में और हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार का और आपका विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी इस मुहिम से हर पंचायत स्तर पर जाकर आप जो सम्मान दे रहे हो, कोरोना सम्मान, इस सम्मान की वजह से कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों का भी आत्मबल बढ़ता है। दूसरी चीज़, उनको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध होता है जिसके माध्यम से वो प्रशासन तक, सरकार तक और अपने गांव की जनता तक अपना एक संदेश पहुंचा पाए। बेशक। आज के इस समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर मेरे जेठाना के युवा साथियों से और जनता को ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आपको जो वादे सरपंच साहब के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से हमने किए हैं, वो वादे हम भूले नहीं हैं। कोरोना के खातिर समय ज़रूर लगा है, पर अब हम आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि आपको पिछले वार्षिकोत्सव में 28 फरवरी को हमने ये विश्वास दिलाया था कि जेठाना में हम एक ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, तो इस ई लाइब्रेरी की स्थापना को लेकर काम शुरू हो चुका है। पीईओ सर के माध्यम से जेठाना विद्यालय में ग्राउंड परिसर में हमको भवन उपलब्ध हो चुका है। बहुत जल्द उस भवन में हम एक सुविधाजनक युक्त लाइब्रेरी जेठाना के युवाओं को समर्पित करेंगे, ताकि जेठाना के युवा कंपटीशन के इस युग में सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करके बिना किसी अभाव के अपने इस दौड़ जो है, प्रतियोगी दौड़, उसमें जेठाना का युवा आगे आए। और बाकी जो सवाल हैं आपके मन में, वो भी आप निश्चित रूप से धैर्य रखें। कोरोना के खातिर रुके हैं, हमारा मन नहीं डिगा है। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की कोरम, आपके वादों पर, हमारे वादों पर हम खरा उतरेंगे, आपको किया हुआ हर वादा पूरा करेंगे और आपकी उम्मीदों को हम जेठाना में बहुत जल्द पूरा करेंगे, ऐसा हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जी सर, बताइए, लॉकडाउन था, लॉकडाउन में आपने, सरपंच साहब ने और आपने मिलकर यहाँ पे क्या क्या कार्य किए? सबसे पहले तो इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो आपदा आई, उसके लिए सर्वप्रथम में मेरे गाँववासियों को धन्यवाद देना चाहूँगा। पंचायत एक संस्था है, हम उसका माध्यम थे, लेकिन लोगों ने भी हमें जन सहयोग दिया। लोगों ने भामाशाहों के रूप में आगे आकर किट दिए और उन किटों को ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का काम हमारी ग्राम पंचायत जेठाना ने किया। हमारे सरपंच महोदया के माध्यम से पात्र व्यक्तियों की सर्वे करवाई, जिनके वास्तव में भोजन की समस्या थी, उन लोगों तक हम, वो भूखे न मरे, इसलिए उन लोगों तक हमने वो किट पहुँचाए और लोगों को राहत प्रदान करवाई। साथ ही प्रवासी लोग जो आए, करीब 529 प्रवासी हमारे गांव में पधारे। उन प्रवासियों में से हमने हमारे पंचायत स्तर पर पीओ विद्यालय के माध्यम से एक क्वारंटीन सेंटर स्थापित किया। उस क्वारंटीन सेंटर में हमने आने वाले को क्वारंटीन किया और उसको दैनिक सुविधाएं प्रदान की। उसके साथ ही सुबह का चाय नाश्ता, दोपहर का और रात का भोजन हमने दिया और करीब 14 दिनों तक उनको रखा। और उनमें किसी प्रकार के लक्षण नहीं पाने के बाद गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें फ्री किया और हमने और गांववासियों ने मिलकर इस कोरोना को गांव में घुसने से रोका। और इसमें मैं पूरे गांववासियों का और आप जैसे साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिनकी मदद से इस महामारी को कैसे बचा जाए, उसके लिए लोगों को जागरूक किया और लोग सतर्क रहे। सर, यहाँ पे लॉकडाउन था, सभी अपने घरों में थे, यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर का छिड़काव, उसके अलावा राशन सामग्री कहाँ का बांटी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमने प्राथमिक तौर पर जागरूकता लाने के हिसाब से आदिवासी बस्तियों में सर्वप्रथम मास्क बांटे, ताकि मास्क की महत्ता साबित हो। बेशक। उसके बाद हमने वार्ड वाइज जो लोग वार्ड पंच थे, उनको हमने मास्क उपलब्ध करवाए और हमने सरपंच महोदया के माध्यम से खुद कपड़ा खरीद कर गांव के दर्जियों को रोजगार देते हुए करीब 3600 मास्क तैयार करवा कर पूरे गांव में बांटे। और पूरे गांव के हर मोहल्ले में हमने दवाई का छिड़काव करवाया और उसके साथ ही साफ सफाई का हमने विशेष ध्यान रखते हुए, हमारे जैसा कि हमने नई भी हमारी पंचायत का गठन हुआ तब से ही सफाई को महत्ता देते हुए ग्राम पंचायत के अंदर ट्रैक्टर से कचरा संग्रहण का काम शुरू कर रखा है, जिससे साफ सफाई बनी रहे और किसी प्रकार की गंदगी के खातिर दूषित वातावरण से किसी भी प्रकार की बीमारी का प्रकोप न फैले, ये हमारा मूल एजेंडा है। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे उपसरपंच साहब ने, धीरज जी मेहता साहब ने, कि भाई स्वच्छ अगर हमारी पंचायत रहेगी, हमारा गांव रहेगा, तो सब ये लॉकडाउन
कोरोना वायरस कहो या कोई भी किसी बीमारी कही, उससे सभी सुरक्षित रहेंगे। ये बात हमारे धीरज जी मेहता ने आज बताई, इसके लिए इनका बहुत बहुत हम एकता समाचार के माध्यम से। सर बताइए, आपकी पंचायत आज, हम ये चाहते हैं कि नंबर वन बने, तो आपके पंचायत का आपकी योजना क्या है और आगे आपका क्या सपना है सरपंच साहब का, और आपने कोई योजना बनाई तो उसके बारे में हमारे एकता समाचार के माध्यम से हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल राजू भाई, हमारी पंचायत जब बनी तो मैं पहले भी कहता आया हूँ मेरे गांववासियों को, और आज आपके चैनल के माध्यम से भी इस क्षेत्र के लोगों को कहना चाहूँगा कि एकमात्र हमारा ऐसा सरपंच था जिसने अपना एक सार्वजनिक एजेंडा जारी किया था कि मैं पंचायती राज में अगर सरपंच बनता हूँ तो इस प्रकार से काम करूँगा। उस फ्लैक्स का अनावरण किया था और उस फ्लैक्स पर जितनी भी बातें लिखी हुई है वो मेरे ग्रामवासियों को पता है, और हम, ये कोरोना आ गया वरना हम उसके लिए आगे बढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि साफ़ सफाई के लिए हमने ट्रैक्टर शुरू कर दिया है। सबसे पहली समस्या थी गाँव में गंदगी की, तो हमने नालियों का पानी जो रोड पर आ रहा था उसे काफ़ी हद तक बंद करने में हम सफल हुए हैं। कोरोना महामारी को लेकर 2-3 महीने के लॉकडाउन में कुछ काम नहीं हो पाए, उन कामों को लेकर अब हम आगे बढ़ चुके हैं। हमारा सर्वप्रथम एजेंडा है आदिवासी मोहल्ले जो कि रोड लाइट से वंचित हैं, हम उनको सबसे पहले रोड लाइट से जोड़ेंगे। तत्पश्चात हम सीसी सड़कों का जाल बिछाएंगे, और सड़कों का जाल बिछाने के साथ साथ हमारी गुणवत्ता प्राथमिकता रहेगी। हमारे गाँव में एक काकेरा फला जो कि हमारे गाँव से दूर है, वो सेमलिया पंड्या होकर घूम के लोग आते हैं, सर्वप्रथम नदी पर उसके लिए पुल बनाने की हमारी प्राथमिकता रहेगी, और जहाँ तक हो सके गांव को स्वच्छ सुंदर बनाने के लिए बहुत ही जल्दी हम पौधरोपण का कार्यक्रम पूरे गांव में एक व्यापक स्तर पर चलाएंगे। लिमड़ी और वणोरी जो गांव हमारे जेठाना से जुड़ते हैं, जो संपर्क सड़क हैं, हम सरकार से मांग करेंगे, PWD से मांग करेंगे कि इन दोनों सड़कों को हमारे गाँव से जोड़ा जाए ताकि आने जाने के लिए भी एक अच्छा मार्ग सुदृढ़ उपलब्ध हो, और व्यवसाय के रूप में भी एक जेठाना के व्यवसायियों को भी इसका लाभ मिल सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वर्तमान में सेमलिया पंड्या सड़क का काम हमारे यहाँ शुरू हो चुका है, जो सड़क बहुत जल्द PWD के माध्यम से हमारे गाँव को उपलब्ध होगी, और सेमलिया पंड्या जो कि हमारे यहाँ से घूमकर 8 किलोमीटर पड़ता है, वो सीधा 2 किलोमीटर में हमारे लोग यहाँ से आवाजाही कर सकेंगे। इससे दोनों गाँव के लोगों को फायदा होगा। साथ ही मैं प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से निवेदित करना चाहूँगा कि उक्त रोड को लगते हुए पनवा फला हमारे जो एक मोहल्ला गांव का पड़ता है, करीब 700 से 800 मीटर की दूरी पर है, उसको भी PWD की सड़क के माध्यम से लगे हाथ जोड़ दिया जाए तो वो मोहल्ला भी हमारा सुखद में महसूस करेगा। सर ये आपका जेठाना गाँव, कितनी जनसंख्या यहाँ पर? हमारे गाँव की करीब 1500 से 1700 राशन कार्ड है, और 7 से 8 हज़ार की जनसंख्या है, और ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा गांव है। ये ITI क्षेत्र से हमारा वार्ड नंबर 1 शुरू होता है, और बिलुड़ा गणेशपुरी में भी हमारे एक बीसी वाली करके मोहल्ला पड़ता है, और उसके आगे काकेरा, मतलब आबादी की दृष्टि से छोटा है और भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा गाँव है। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि भौगोलिक दृष्टि बड़ी होने के बाद भी पेराफेरी शब्द जो हमारे यहाँ लगा हुआ है, इस पेराफेरी शब्द के खातिर हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेराफेरी क्षेत्र सीमित हो, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि हमारा जो काकेरा मोहल्ला है, अगर वहाँ पे कोई आदमी अपने आबादी क्षेत्र में कोई प्लॉट करना चाहता है तो उसे नगरपालिका का चार्ज देना पड़ता है, जबकि ये एक सबसे बड़ी समस्या है। इसका मैं तुरंत समाधान किस आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ। बिल्कुल, आपकी बात राज्य सरकार कहो या केंद्र सरकार का तो कहो या प्रशासन तक आपकी बात पहुंचाई जाएंगी। आपने जो पेरापेरी का मामला बताया ये बहुत ही अच्छा लगा, इसमें ये बहुत से लोगों तक ये बात नहीं पहुंची, हम एकता समाचार के माध्यम से आपका ये समस्या का समाधान बहुत जल्द करवाएंगे। सर आपके यहाँ पे सर्व समाज निवास करते हैं और सभी समाजों के लोग आपके यहाँ पर है, और आप सरपंच साहब संगीता जी डामोर और आपने मिलकर जो बीड़ा उठाया है स्वच्छ अभियान कहो या पौधारोपण कहो, अभी हाल ही में 7 तारीख से पौधारोपण का जो आयोजन था और जागरूकता का अभियान था, उसमें आपने क्या क्या किया? हमारे विद्यालय स्तर में PO के माध्यम से हरियालो ब्लॉक सागवाड़ा का जो एक मुहिम चलाएगी, उस मुहिम के तहत हमारे ग्राम पंचायत जेठाना और PO के संयुक्त तत्वाधान में हमने 20 नीम के पौधे गायत्री परिवार द्वारा हमको उपलब्ध करवाए गए, और 20 नीम के पौधे हमने नरेगा की लेबर के माध्यम से
ग्राम पंचायत जेठाना के मैदान में लगवा दिए हैं। उनको ट्रीगार्ड व्यक्तिशः मैंने, सरपंच महोदया ने जन धन के एक दान राशि के रूप में उपलब्ध करवा के ट्रीगार्ड भी उपलब्ध करवा दिए हैं। शमशान भूमि पर भी पिछले 2 वर्ष से हम लगे हुए हैं और शमशान का नज़ारा अगर आप देखोगे तो आपको हमारे वहाँ हरियाली के प्रति हमारे जेठाना की पंचायत की जो जागरूकता है वो दिखेगी। अभी भी सरपंच महोदया और पंचायत सचिव प्रशासन ने भी पौधेरोपण शमशान पे किए हैं। नित्य लेबर, चाहे गर्मी हो बरसात हो, हमारी लेबर वहाँ रहती है पौधों की सुरक्षा के लिए। हमने एक बच्चे की तरह उन पौधे को पालने का संकल्प लिया है क्योंकि हम स्वच्छ सुंदर जेठाना हरियाली के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात बताई आपने साहब। आपकी पंचायत में हमको ज्ञात है कि यहाँ पे हर इंसान के मुँह पे एक ही है कि भाई हमारे घरों के आगे भी एक या दो पौधे हम सुरक्षा के दृष्टि से हम लगाएंगे, और ये कोरोना जैसी बीमारी जो आज बड़ी बड़ी बीमारी और आने के लिए हमारे राजस्थान में आतुर है, तो ऐसी बीमारी को भगाने के लिए पौधारोपण, वृक्षारोपण, हरियाला हमारा जेठाना करने का बहुत ही अच्छा विडा उठाया। इसके लिए एकता समाचार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। की कड़ी में आज हम जेठाना पंचायत समिति पंचायत सरपंच साहब संगीता जी डामोर और हमारे किसान संघ के देवंग जी पाटीदार, इन्होंने मिलकर एक बीड़ा उठाया है कि भाई गौ रक्षा हम करेंगे और हमारे घरों में 2 से 5 गायें रखेंगे। ये एकता समाचार के माध्यम से भी हम एक अभियान छेड़ रहे हैं कि सभी सरपंच कहो या जनप्रतिनिधि कहो या किसान कहो या आम आदमी कहो, अपने घरों में गौ माता की सेवा करे, 2 गाय रखे या 5 गाय रखे, क्योंकि गाय रखना एक बहुत बड़ा धर्म है। हमारे महापुरुषों ने भी गाय रखी थी, हमारे जितने भी जो पुराने जो सरपंच रह चुके हैं, पुराने मेंबर रह चुके हैं, उन्होंने भी गाय रखी। तो हम ये सबसे ये प्रेरणा देते हैं कि आप भी गाय रखें और गाय की सुरक्षा करें। इसी विषय में हमारे सामने है सरपंच साहिबा किसान संघ के अध्यक्ष भाई देवंग जी पाटीदार, और इन्होंने भी बीड़ा उठाया कि भाई हम 2 से 5 गाय हम रखेंगे। सर बताइए आपके पास कितनी गाय? हमारे पास में अभी 5 गाय तो है सर, हाँ अवेलेबल में। और ये जो नस्ल है वो ये गिर कहते हैं उसको, गिर गाय हमने ये जो मतलब अपने अच्छी नस्ल है इसको लेना चाहिए। तो इसी हिसाब से हमने ये सरकार को भी निवेदन करते हैं कि जो भी सब्सिडी आए सरकार के हिसाब से तो वो पशुपालन में जोर दें ताकि वो अपना घर घर चला सकता है। ये हमारा निवेदन है कि जो भी गाय पे जो और भैंस पे ये अनुदान जो देना चाहते हैं वो सरकार उसी हिसाब से दें, वरना अपना घर वहाँ बाहर अभी कुछ नहीं रहा है बॉम्बे वगैरह, तो उसकी जो है वहाँ यहाँ घर चला सकते हैं, तो वो दूध उत्पादन और गाय के भैंसों में ही उत्पादन कर सकते हैं। ये हमारा किसान की एक पुरानी परिपाटी है कि हम पशु रखते ही है और गाय तो रखते ही है घर में, हर गाय में। अभी जो है ना अपने गाय की एक रोटी भी सुबह दे दें तो कहीं गंगा जी या यात्रा में जाने की जरूरत नहीं रहती है। ये गाय जो है ना गाय की पूजन और गाय की रोटी एक पहली रोटी दे देते हैं। तो ये तो बीड़ा अपने डूंगरपुर में भी अपने उठाया है मतलब जो है ना उसने चेयरमैन साहब ने, तो ये हमने भी गाँव में कहा कर कह रखा है कि सबको एक एक गाय, तो कम से कम 5 गाय की पालन अगर कर लें। एक गाय जो है ना वो गाय का दूध जो है ना वो बच्चे को लिए भी एक बच्चे को लिए भी गाय का दूध सुबह अच्छा रहता है। एक गिलास दूध बच्चों को पिला देते तो वाकड़ी में कहावत है कि भाई एक गाय की जो गाय जो है ना वो भूल जाती है, कहीं भी छूट जाती है तो घर वापस आती है तो डूबा हर को है कहीं, तो गाय का जो है ना वो उसका दिमाग चंचल रहता है बच्चा का, बच्चे को गाय का दूध पिलाने में उसका बहुत मेमोरी और उसका बच्चे का दिमाग बहुत अच्छा रहता है। तो गाय की जो दूध है वो गाय पिलाना चाहिए बच्चों को, यही मेरा निवेदन है। और सरकार और राजू भाई को धन्यवाद। एकता समाचार वाले ने जो ये बीड़ा उठाया अभी गाय की जो बात की उसी लिए आगे पहुंचाने के लिए मैं एकता समाचार और उसको मतलब चैनल को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एकता समाचार ने जो सलाह दी है गाय रखने के लिए, हर व्यक्ति को हर घर में मतलब गाय रखनी चाहिए। गाय का दूध शुद्ध होता है और सुबह में अगर उसके दर्शन भी मिल जाए तो ये भी अपने लिए मतलब शुभ माना जाता है। गाय को गौ माता कहते हैं और गाय को पूजा जाता है। और मैं महिला को कहना चाहती हूँ, गांव की महिला को कहना चाहती हूँ कि सुबह जो फर्स्ट पहली रोटी होती है वो गाय को खिलानी चाहिए।
बहुत ही बढ़िया बात बताई हमारे सरपंच साहब ने कि भाई पहली रोटी आप बनाए तो पहले गौ माता को खिलाए फिर घर वालों को खिलाए। धन्यवाद एकता समाचार के माध्यम से आपने हमारे को जो जानकारी दी, हमारे देवंग भाई पाटीदार सरपंच संघ अध्यक्ष ने और हमारे सरपंच साहब ने, इन सबका मैं आभार मांगता हूँ। धन्यवाद।